के अंदर जो कौन से आलिम दीन थे जिसने दीन पहुँचाया पहली बार आके इसके बारे में बहुत सारा अख्तिलाफ़ है बाकी भाई का एक सवाल है कि हिंदुस्तान में दीन कैसे फैला कहाँ से शुरू हुआ तो याद रखिए इस ताल्लुक़ से बहुत मशहूर और मरूफ जो एक बात हमें मिलती है अब इसके लिए भी मैं ये कहूँगा हिस्टोरिकल को एविडेंस या आर्कियोलॉजिकली को एविडेंस तो हमारे पास नहीं है देखिए क्या होता है कुछ चीज़ें होती जो चलन में होती बोली जाती है मशहूर होती है क्योंकि तो उसके पीछे कोई वजूहत होती है कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं इधर की और उसको मानने में भी कोई हर्ज नहीं होता है इधर की लेकिन जब कोई बात ये बोले कि नहीं प्रूफ दो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रोड्यूस करो तो तब थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे थोड़ा हो सकते हैं इन मामला के अंदर चूँकि ये कोई अल्लाह के रसूल सल्ला की जबानी कोई बात तो नहीं आई कि बस आ गई तो अब कोई हमको आगे पीछे कोई बैकिंग की जरूरत नहीं चूँकि ये इन इनसेल्फ प्रूफ है एक दलील है लेकिन ऐसे वाक़ात बिल्कुल वाज है हमको मिलते हैं तारीखी रिवायतें ऐसे हवाले मिलते हैं कुछ गैजेट के रिकॉर्ड भी ऐसे जो मलयालम मतलब जिसको कहेंगे केरला के लाइब्रेरीज़ में जो अरबी ज़बान महफूज हैं उन गैजेट और उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बताया गया है कि नबी इक्रम सला वसम के ज़माने में इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया था तो उसकी उसकी तारीख़ में लिखा गया है और ये ये चीज़ हमको मालूम भी है कि कई असहाब की खबरें हिंदुस्तान मौजूद हैं कई असहाब की खबरें जिसके तल्लु से तारीख़ी किताबों ने पंद्रह सहाबा की खबरें हिंदुस्तान में हैं बोल के तारीख़ी हवालों से लिखा है और ख़बरें हैं मरूफ़ और मशहूर रही हर ज़माने में कि ये फ़लाँ सहाबी की ख़बर है ठीक है तो पंद्रह सहाबा की खबरें हैं लेकिन ये बड़ी ताजुब की बात है और बड़ी हैरत की बात है और बड़ी अफसोस की बात है कि हमको दीगर बहुत सारी ख़बरों के बारे में मालूम है लेकिन पंद्रह सहाबा की खबरों के बारे में कुछ नहीं पता इसके अलावा बहुत सारी रिवायतों में आता है कि स्स्मान इबिन अफ़ान रज़ी अल्लाह के ज़माने में हज़रत उमर के ज़माने तक तो आपने नेवल फ्लीट नहीं बनाई थी आ, बहरी जहाज़ नहीं बनाए थे मतलब पानी पे चलने वाले जहाज़ नहीं बनाए थे आपका डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों को मैं जहाज़ बना दूँ ये जोश और जज्बे में आ जाए दूसरे मुमालिक चले जाए और जंग हो चूँकि अरब इसके माहिर नहीं थे ये जंगी बेड़ों के मतलब पानी के जहाज़ों के माहिर नहीं थे तो ये चले जाए और पूरी मुसलमान फ़ौज मेरे वजह से कहीं मर खप ना जाए तो लिहाजा उन्होंने कभी इजाज़त नहीं ने दी नेवल फोर्स की लेकिन इब्ने अबनीान रज़ी अल्लाह जो ही खलीफा बने आपसे इजाज़त मांगी कि बजनतनी लोग ये बड़े माहिर थे पानी के सफ़र के अंदर और ये आते हैं, हमले करते हमारे सी पोर्ट्स पर और चले जाते हैं हजरत ऊस्मान ने इजाज़त दी अपने दौर के अंदर और अमीर माविया रज़ी ने पहली नेवल फ्लीट बनाई मतलब जिसको कहेंगे पहली जहाज़ों की बेड़ा बनाया जो जंग के लिए तैयार था जिसमें 300 सौ जहाज कमेज बनाए गए और इन्होंने फिर खुशून वगैरह के इलाके पे वो किया और चढ़ाई भी की और उस जमाने में जो रूमी हुकूमत के लोग आकर सताते थे तकलीफ देते थे उनको भी दूर किया उसी ज़माने में ये बात भी लिखी गई कि हस्मान के ज़माने में लोग उन जहाज़ों में जो कि बेड़ा बन चुका था वो पेट्रोलिंग करते थे समंदरों की वहाँ से निकल कर वो जो है हिंदुस्तान के साहली इलाक़ों में ख़ास तौर से गुजरात के इलाकों में और गुजरात के अंदर कच्छ वग़ैरह के इलाकों में इसके अलावा जो है और भी निचले जो साहली पूरे इलाक़े हैं उसके अंदर आए साहब मौजूद है जिसकी दलील एक मस्जिद के तौर पे भी हमको मिलती है जो कि शहर का नाम मेरे जहन से निकल गया लेकिन गुजरात का साहली इलाक़ा है जिसके अंदर एक मस्जिद है उस मस्जिद को दो कबले हैं क़बले के डायरेक्शन में डिफरेंस है जिसके तल्लु से कुछ उलमा ने अब चूँकि ये भी कोई आर्कोलॉजिकली हम नहीं बता सकते कुछ उलमा ने यह कहा कि ये कबला मतलब पहले कबला जो है मस्जिद अकसा की तरफ था ये तब बनी थी उसके बाद अपडेट हुआ किसी यहाँ कहा कि अब किबला बदल गया तो उन्होंने फिर उसको चेंज किया तो वो उसी एक मस्जिद में दो किबले एक ही डायरेक्शन है मतलब बिल्कुल अपोजिटि नहीं है एक थोड़ा इधर है तो दूसरा इधर है तो उनका वजह ये क्यों बदला वो लिखते हैं कि ये इतने जल्दी इस्लाम यहाँ आ गया था कि इब्तदाई दौर में लोग नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिए थे उस मस्जिद में जबकि किबला मस्जिद अक्सा की तरफ था और बाद में उसका डायरेक्शन चेंज किया इसीलिए एक ही मस्जिद में डायरेक्शन एक किया लेकिन किबले के अंदर डिफरेंस है और उसके नेट पे आप फ़ोटोज़ वग़ैरह आजकल तो बहुत कॉमन है आप उसको देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की दो किबले वाली मस्जिद जो है एक ही मस्जिद में दो किबले हैं कुछ ने कहा नहीं ये नहीं, नहीं दो किबले नहीं हैं ये पहला किबला गलत बन गया था चूँकि उतने उनके पास मेजरिंग इतना वो नहीं था मतलब डायरेक्शन का तो गलती हुई फिर उन्हें किया की वल्लम बहरहाल जो भी है लेकिन मस्जिद काफ़ी 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 पुरानी है और ये मस्जिद जब बनी थी तो वहाँ गैर मुस्लिम मुसलमला था पूरा के पूरा और मस्जिद के रिकॉर्ड्स में ये पता चला कि वो गैर मुस्लिम इलाक़े में एक हिंदू बादशाह से मुसलमान ताजर जो अरब आया करते थे उन्होंने इजाज़त मांगी थी एक इबादतगा बनाने की जो उसने इजाज़त दे दी थी मतलब इसको कह सकते मुसल था कस्म का हो जो 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 आने जाने वाले लोगों के लिए ऐसे इलाके में बना जहाँ मुसलमान बसते नहीं थे लेकिन सी पोर्ट होता है ना जैसे कई इलाके दुनिया के आज भी ऐसे मुल्क हैं जहाँ मुसलमान बसते नहीं हैं लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो मस्जिदें होती है एयरपोर्ट्स वगैरह में चूंकि मुसलमान तजारत के लिए आते जाते हैं तो नमाज़ों के लिए उन्होंने बना दिया है समझ रहा है बात को तो लिहाजा साहबा रज़ी अल्लाह अजमैन की एक बड़ी जमात थी उनमें से तारीख़ी हवालों से जो लोगों ने मौरख़ी ने लिखे हैं उसमें पंद्रह सहाबा के से तल्स हवाए थे जिसमें उन्होंने गुजरात के इलाक़े का तस्करा किया दूसरा थाने का तस्करा किया थाने का थाने जो बम्बई के करीब आता है थाने का तस्करा मिलता है कि वहाँ भी आए साहबा तीसरा बम्बई का तस्करा मिलता है कि मुंबई के करीब भी साहबा साहब आए थे इसके बाद मैं समझता हूँ केरला तमिलनाडु के तो वाकई कर्नाटक के बिल्कुल वाज़ा तो असाब की खबरें आज मौजूद हैं तो ये तो बिल्कुल प्रूफ है थाने में कोई प्रूफ मैं नहीं दे पाऊँगा या गुजरात के कोई प्रूफ नहीं हमारे पास बट साउथ इंडिया की तो विद प्रूफ है हमारे पास कि ये लोग यहाँ आए थे याद रखिए और क्यों नहीं आए होंगे मतलब उनके पास कोई वजह नहीं थी नहीं आने की हिंदुस्तान इतना मशहूर और मारूफ था इतना मशहूर और मारूफ था मैं आपको क्या कहूं कि लोग अपने बच्चों के नाम हिंद रखते थे अरब में हिंदा जो नाम है खातून का जो जब सुफियान की बीवी है वो क्यों है हिंदा हिंद की वजह से हिंदुस्तान इतना मशहूर था कि जैसे अमरीका इतना मशहूर होगा कि हम अपने बच्चों का नाम रख रहे सैयद अमरीका बच्चे का मतलब इतना पॉपुलर हो गया तो हिंद वो लोग नाम रखते थे हिंद नाम है हिंदा जो नाम है ये हिंद बहुत कॉमन वर्ड था अरबिक के अंदर ये इंडिया को बोलते थे इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी तो मतलब हिंदुस्तान से इतने गहरे तल्लु थे ख़ुद मश्रिक ने मक्के के दौरे जहालत में भी कि वो अपने बच्चों के नाम हिंद रखा करते थे अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए इंडिया कितना पॉपुलर था ठीक और सारा जिसको कहेंगे जितना भी मसाला था वो पूरा इंडिया से जाता था चाहे वो चीन जाना हो चाहे फिर पूरा अफ्रीका जाना हो या उसके बाद पूरे अरब जाना हो और ये बात बिल्कुल मशहूर है कि अरब लोग यहाँ से तजारत करते चीन से उनके पास कपड़ा आता था और यहाँ से मसाले वगैरह आते थे तो बहरहाल क्या नाममकिन था तो ये तो वो ज़माने में अरबों का हिंदुस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक़ था याद रखिए बहुत गहरा ताल्लुक़ था और जाहिर सी बात है खास तौर से जो केरला का इलाका है जहाँ ये मसाले हुआ करते थे केरला हो गया कर्नाटक हो गया तमिलनाडु हो गया ये मसाले बहुत कॉमन थे अरबों का ताल्लुक चीनीों से बहुत अच्छा था ठीक है तो बहरहाल वो लोग लो ये सब किया करते थे तो ये कोई बैई नहीं है और सहाबा एक ऐसी जमात थी जिनको जहाँ जहाँ दुनिया मिली जितने ख़त्े जितने जज़ीरे जितनी जगह वो जा सके वहाँ जाके उन्होंने इस्लाम का पैगाम पहुँचाए सहाबाबा हमारे जैसे निकम्मे और अहदी और सुस्त लोग और ख़ास तौर से जिसको कहते हैं एहसान फरामोश लोग नहीं थे वो बहुत एहसान मंद लोग थे और वो जानते थे एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं है तो जैसे अल्लाह ने एहसान किया एक नबी को भेज के हम तक दीनी दावत पहुंचा के हम एहसान करें दूसरे लोगों पर कि उन तक इस्लाम पहुँचाएं वो जहां पहुंचे वहां उन्होंने दावत नहीं गई बल्कि सहाबी का एक बड़ा मशहूर वाक़ा है वो पहुँच गए पूरे अफ्रीका का साहिल ख़त्म मतलब अफ्रीका ख़त्म हो गया मतलब आज का लीबिया ले लीजिए ख़त्म हो गया अब इसके बाद क्या आबादी नहीं थी उस ज़माने में अगर इसके बाद क्या तो उसके बाद एक सहाबी का वाक़ा मशहूर कि उन्होंने अपने घोड़े को समंदर में ले गए और समंदर में ले जाने बाद के बाद क्या अल्लाह तो गवाह रहना अगर इसके आगे ज़मीन है मुझे पता होता तो मैं तेरा दीन का पैगाम ज़रूर ज़मीन पर ले जाता तो वो लोग ऐसे लोग थे उनका मकसद था अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ दें तो हिंदुस्तान से तो इतने गहरे इतने गहरे उनके तल्लत तो ऑलरेडी थे जिसकी कोई इंतहा नहीं और फिर एक मशहूर वाक़ जो केरला का आता है जो केरला के गज़ट में और बहुत मशहूर है रिकॉर्ड में मौजूद है और हिंदुस्तान की पहली मस्जिद होने का एजाज़ भी उस एक मस्जिद को हासिल है वो एक राजा था राजा चेरामन बुलकर मशहूर आता है जो कि उस ज़माने में ये मलाबार की हुकूमत थी केरला तो अब एक अलग स्टेट है पहले मलाबार हुकूमत जो कर्नाटक से होते हुए पूरा केरला और तमिलनाडु के कुछ हिस्से पर होती थी उसको बोलते थे मलाबार तो बादशाह था मलाबार का वो, वो सितारों और सैरों में बड़ा इंटरेस्ट था उसका और वैसे भी इंडिया के लोगों को बड़ा सितारे सैारों में इंटरेस्ट होता है क्यों तो हर सितारा सैारा कुछ ना कुछ तकदीर बच्चों फसलों पर असर करता है अकीदा है लोगों का तो रात में देख रहा था और रात में उसने देखा कि चाँद के दो टुकड़े हो गए चूँकि अल्लाह के रसल सल्ला जब मछर ने मक्का ने डिमांड किया कि चांद के दो टुकड़े करो तो चांद चुप, चुप थोड़ी दो टुकड़े हुआ नज़रबंद थोड़ी उठा हुआ था कि नजरबंदी था कि वो दिख गया रियल हुआ था और कितना रियल हुआ था लोगों ने गवाही दी साहबा ने गवाही दी इतना दूर हुआ कि एक एक तरफ चला गया मतलब अगर एक पहाड़ था तो एक पहाड़ के इधर हो गया और दूसरा पहाड़ के उधर हो गया इतना दूर हो गया एक दूसरे से ये रियल था तो रियल हुआ तो यहाँ रात थी और वो राजा रात में देख रहा था उसने देखा चांद के दो टुकड़े हो गए उसने फ़ौरन लोगों को जमा किया क्या क्या माजरा था क्या था तो उसके जो धर्म गुरु थे रिलीजियस लोग थे जो ये सब ताबीर चांद सितारों की करते थे उन्होंने कहा चांद के दो टुकड़े होना बहुत अनहूना वाक है और हम तो अकीदा रखते हैं भाई ये हुआ बल्कि एक नहीं रिवायतों में दो दो बार आता है एक बार किया तो लोगों ने कहा झूठ बातें और चले गए साहब दूसरे दिन का अब बताओ करके फिर हुआ ठीक तो उस राजा ने देखा उसको जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा बहुत अनहोनी घटना और बहुत बड़े कोई ऋषि मुनि दुनिया में आ चुके हैं और उनके आने की वजह से ये हुआ है तो उसने कहा चलो जाओ ढूंढो तो इसके लोग गए उन्होंने ढूंढा बल्कि वो लोग गए उसके बाद वहां पहुंचे अवमान उसके साहिल पर पहुंचे उनसे निकलकर वो सऊदी गए उनको शायद डायरेक्शन किसी तक बात आ गई लोग बोलता था कि यहाँ यहाँ वहाँ से वो जो है निकल कर मदी पहुँचे मदीना में गए कुछ रिवा में आता मक्का पहुँचे मक्का गए नबी अकरम सल्लल्लाहु सल्ला से मुलाकात की मुलाकात की ईमान लाए ईमान ला कर वापस आए बादशाह को कहा बादशाह सलामत ऐसा ऐसा है वो एक नबी ऋषि आ चुके हैं उन पर ईमान लाना ज़रूरी है बादशाह खुद यहाँ से निकला वो अरब की सरजमीन पहुँचा उसने हम अल्लाह के रसूल के हाथ पे ईमान कबूल किया वापस आते वक्त ओमान के सहरी इलाके में इंतकाल हुआ और वहीं मतफून है आज भी किंग ऑफ मलाबार आप दाली नेट के ऊपर उसकी खबर ओमान के अंदर है फिर वहाँ मर गया उसके लेकिन जो सात लोग गए थे वो वापस आए और वो इस्लाम को यहाँ लाए पहली मस्जिद उसकी बादशाहत के अंदर बनाई गई वो तो साहबी का शर्फ ले गया मतलब वो तो साहबी बन गया था इंतकाल भी कर गया बट नो रिकॉर्ड अब अगर आर्कोलॉजिकली आप पूछेंगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा सिंपल बट कुछ बातें होती है जो जब होती है तो उसके आगे पीछे मिर्च मसाला होता है लेकिन उसके अंदर रियलिटी भी अपनी जगह है इसमें उसको हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि कई तुर्कों से मतलब जिसको कहेंगे कई रेफरेंस और चैनल से सेम बात आ रही है ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, हुआ, ऐसा हुआ। तो मानने में कोई हर्ज नहीं जैसा कि सलाम का तूफ़ान आया बहुत इब्तः में आया ना इंसानियत की शुरुआत थी लेकिन इसका तस्करा कुरान में है इसका तस्करा बाइबल में है इसका तस्करा तोत में इसका तस्करा थालमोड में इसका तस्करा हिंदू किताबों के अंदर जो पुरान होती है उसके अंदर है इसका तस्करा आ, जो है अफ्रीकी इलाकों के और अंदर जो लोग रहते हैं उनके मजाहब के अंदर है कि एक ज़माने में बहुत बड़ा तूफ़ान आया था इसका तस्करा आपको आ, जो एक्का और माया जिसको कहते हैं साउथ अमेरिकन लैटिन अमेरिका में जितनी सभ्यताएँ सिविलाइजेशन गुजरे उनके अंदर मिलता है कि एक बड़ा तूफ़ान आया था सारी दुनिया डूब गई थी इसका तस्करा रेड इंडियंस के पास मौजूद था तो गोया ये एक ऐसी चीज़ छुपी हुई नहीं थी दुनिया में पूरा तूफ़ान आया था लोगों के पास रिकॉर्ड्स है उसके इतने जगह इसका मिलता है इनको बोलेंगे आर्कियोलॉजिकली साबित करो तूफान नुह तो मैं नहीं कर सकता पॉसिबल नहीं आता कि तूफान नूह को साबित कर आर्कियोलॉजिकली एविडेंस बट हमारा ईमान है ठीक है तो बहरहाल लेकिन ये बहुत तुर्कों से आती है और ये बिल्कुल पॉसिबल था चूंकि अरबों के और हिंदुस्तानियों के बहुत गहरे तल्लु दौर जहालत से उसके पहलों से बल्कि पांच हजार साल से इनके गहरे तल्लु थे पांच हजार साल से इनके बड़े ही गहरे तल्लुक थे बल्कि ये मोहनजुदार और हड़प्पन जो सिविलाइजेशन जो गुजरी है जो कि आज के पाकिस्तान में अक्सर उनका हिस्सा जाता है वो लोग उनके मुर्दा लोगों को दफनाने बहरेन जाया करते थे बहरेन पूरा खबरस्तान हुआ करता था अभी तो एक आइलैंड कंट्री है पूरा लेकिन बहरीन के अंदर सबसे ज्यादा खबरें निकलती मान लो आपको जहाँ खोदो वहाँ खबरें निकलती क्योंकि अक्सर लोग बहरीन में ले, ले आके खबरों मुर्दों को दफनाते थे ये रिकॉर्डेड है याद रखिए समझ रहे आप बात को बहुत तल्लुआते थे और ये नामुमकिन था सहाबा की जैसे जमात हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े मुल्क को आसानी से छोड़ दें बहुत गहरे तल्लु थे वे उन्होंने दिन पहुँचाया साहिल के जरिए आए जमीन के जरिए बहरहाल फिर बाद में आए लेकिन ज़मीन के जरिए जब आए एक वक्फा गुजर चुका था लेकिन साहली तौर से आए हरत उस्मान के ज़माने तक हम जानते हैं सिंध तक मुसलमान फौजें आ चुकी थी उमर के ज़माने में आ चुकी सिंध लेकिन वापस हुई थी लेकिन हरुस्स्मान के ज़माने में तो इस्टेब्लिश उनके नेटवर्कस थे और वहाँ फौज आ चुकी थी सिंध मैं समझता हूँ कितना दूर है सिंध से गुजरात सिंध से राजस्थान सिंध से पंजाब कितना नज़दीक है बिल्कुल उस जमाने में तो बिल्कुल एक जैसे ही थे बहरहाल ये बल्कि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा और पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जाता था उसको राजपुताना बोलते थे या पंजाब ग्रेटर पंजाब कश्मीर पंजाब लाहौर फैसलाबाद सब मिलके पंजाब बनता था तो बहरहाल बहुत अच्छे तल्लक थे सहाबा की जमातें आई सहाबा ने इस्लाम को यहाँ पेश किया सहाबा इस्लाम को लेकर आए थे और उन्हीं की कोशिशों और काविशों के नतीजे में इस्लाम फला फूला साहबा के बाद यकीनन दीगर लोग भी आए दीगर लोगों ने भी जो अल्लाह के नेक बंदे थे अलिया बोलिए उनका जो भी है अलिया हक़ है फिर हक है, है उन तमाम ने भी इस दिन को बहन फैला लेकिन सबसे अवल जमा जो दीन को लेकर आई थी वो खुद नबी के ज़माने में इस्लाम ही आया नबी के बाद असहाब ही आए और उसके बाद ताबीन तब ताबिन के तल्ल से भी एक रिकॉर्ड मैंने पढ़ा जिससे पच्चीस ताबिन और तब ताविन के तस्करे जो हिंदुस्तान में जिनकी ख़ब्रें हैं तो पंद्रह सहाबा और पच्चीस तब ये इसकी दलील है कि ये लोग आए थे और सहाबा की खबर ऐसी है इंडोनेशिया में मिलेंगी आपको मलेशिया में मिलेंगी आपको चाइना के अंदर मिलेंगी आपको अफ्रीका के हर मुल्क में मिलेंगी आपको तुर्की के अंदर मिलेंगी आपको यूरोप के अंदर मिलेंगी तो वो उन्होंने दिन के लिए बड़े लंबे लंबे सफ़र किए तो सहाबा के ज़माने में सहाबा के ज़रिए दीन यहाँ तक आया उससे बढ़ कर तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में यहाँ के लोग वहाँ जाकर दीन को लेकर आए थे हिंदुस्तान से और सफ़र की वजह से ये बहुत आसान था नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग था ये दीन की बात फ़ौरन पूरे दुनिया में पहुँच गई और यही वजह थी कि पूरे फिलिपाइन इंडोनेशिया मलेशिया ब्रुनाई कौन गया है यहाँ कौन सी मुसलमान फ़ौज गए हैं तो कभी जंग भी नहीं मुसलमानों की ये सहाबा ताबिन तब ताबिन ये अरब ताजर ये इस्लाम को वहाँ तक ले गए और आज इतना बड़ा हम जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है सबसे बड़ा मुल्क जिसमें निन्नवे फ़ीसद मुस्लिम आबादी है चौबीस करोड़ उसकी दो सौ टू फोर्टी मिलियन आबादी है उस मुल्क की और वो इंडोनेशिया है और वहाँ कभी मुसलमानों की नॉन मुस्लिम से कभी जंग नहीं हुई ज़मीन के लिए मतलब ये कि ताजिरों ने इस्लाम पहुँचाया लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया मलेशिया आज देखिए तकर साठ फ़ीसद मुस्लिम है फिलिपाइन के अंदर फिलिपाइन तो सात हज़ार जज़ीरों पर बना हुआ एक मुल्क है समझ लीजिए लेकिन उसके भी बड़े इलाके पर सत्रहवीं सदी तक मुसलमानों की हुकूमत रही तीन सौ चार सौ साल तक ठीक है तो बहरे तो बिल्कुल जब वहाँ तक गए है उस ज़माने में तो हिंदुस्तान तो बहुत ही गहरे तल्लु थे जिसको नहीं पता हो या इल्म ना हो तो वो हिंदुस्तान और अरब के दौरे जहालत मतलब 1500 साल पहले के ताल्लुकात अगर पढ़ लें तो इन वो बात क्लियर हो जाएंगे मतलब हिस्टोरिकली मिल जाएंगा कि अरबों के बहुत अच्छे ताल्लुकात इंडिया से थे तो इस्लाम भी यकीन उस ज़माने में आ गया था उनके पास